असलम एवरी वन वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ताहरी है नहीं ये बिल्कुल भी ताहिरी नहीं है ये है क्या बनाया था अम्मी ने बनाया था एक दिन पहले ना कोफ्ते बनाए थे तो अम्मी ने नेक्स्ट डे उसमें डाल दिया थे चावल है ना चावल ऐड कर दिए थे अम्मी ने कहा था कि इसके अंदर चावल ऐड कर दीजिएगा हमारा चावल खाने का दिल चाह रहा है दोपहर टाइम पे तो बस अम्मी ने तैयार कर लिया था अभी ये फ्रेश फ्रेश है तो थोड़ा आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे होंगे चावल जबकि तो ऐसे नहीं है वो थोड़ी स्टीम निकल जाती है हाँ। तो सही हो जाते हैं और तो साथ भा... में भई अपिया खोल रही हैं अचार और ये है जबरदस्त सा नेशनल का क्रशट वाला अचार और इतने मजे का लगता है ना ये ये बहुत मजे का है हम हम सब को ऑयल होता है बस मुझे ये हुआ होता, है।, डाला वो होता है, नौने। अचार है वो जो साबुत होते हैं अचार तो आता नहीं है क्योंकि ये क्रश्ड है तो उसके अंदर ऑयल आ जाता है तो ऑयल हटाकर ही लेती वैसे तो। वैसे तो, वैसे तो है जो अचार होते हैं उसके अंदर ऑयल ज्यादा ही होता है मैं बड़ी और बड़ी सी बात कर रही हूँ लेकिन जो साबुत होते है ना तो उसमें ऑयल नहीं आता है इतना ना और इसके अंदर मतलब एक पीस अगर आप ले रहे हैं तो इतना ज्यादा आपकी प्लेट में ऑयल नहीं आएगा कहने का मतलब छोड़ने तो खैर ये हम लोग क्या कहते हैं इंजॉय कर रहे हैं इसके साथ हमने सलाद बना ली थी साथ में दही ले लिया था क्योंकि अम्मी से कहा था बहुत ज़्यादा मिर्चें ऐड नहीं करिएगा और अब जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं ना तो उसके अंदर तो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता सर्दियों में तो इन्जॉय कर लिया जाता है लेकिन गर्मियों में नहीं खाया जाता मेरे साथ तो ऐसे ही है आप लोगों के साथ है कि नहीं मुझे बताइएगा थोड़ा लाइट तो फूड ही दिल चाहता है मतलब चावल हो तो वो बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो जैसे तो सर्दियों में बने हुए हो हाँ। सर्दियों में होता है ना कि हम बहुत स्पाइसी वाली बिरयानी भी खा लेते हैं नहारी पाए और ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो अभी तो जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर हम बोलते हैं थोड़ा सा हल्का हाथ रख दे स्पाइसी लाइट होना चाहिए और वो खाया भी नहीं जाता है एक तो वैसी गर्मी लग रही होती हाँ, है ऊपर से आप स्पाइसी खा के और गर्मी हो जाते हैं हाँ, तो खैर यहाँ अच्छा अम्मी ने ना अम्मी ने बनाई थी सलाद ना तो अम्मी ने इसके अंदर चुकंदर, चुकंदर वगैरह ऐड कर दिए थे और मुझे चुकंदर बड़े पसंद है सलाद में खाली चुकंदर ही नहीं पसंद मतलब उसके अंदर मतलब मिक्स होनी चाहिए सारी वराइटी होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो सलाद के ना तो वो अच्छी लगती है मुझे ना तो और ये सलाद ना आपको पूरी रेड जो दिख रही है जाहिर है 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 वो चुकंदर, वो चुकंदर है जैसे। की बस इसमें ये हो, होता है कि अगर आप कोई अच्छी सी सैलड बना रहे हैं और उसके अंदर आपने चुकंदर ऐड कर दी है तो सारी पिंक हो जाएगी या तो फिर वो लाल हो जाएगी उसकी कलर की हो जाता है लेकिन जायका उसका अच्छा होता है और अम्मी ने, ने ना इसके अंदर वो चाट मसाला ऐड किया था जो सैलड वाला होता है ना चाट मसाला जो चैलेट हाँ। वालों के पास होता है वो ऐड किया था तो उसकी वजह से ही बहुत मज़ेदार लग रही थी बड़ा खट्टा सा होता है मज़े का लगता है मुझे पता नहीं किस नाम से मिलता है लेकिन लोकल होता है शायद ढूंढने तो ढूँढेंगे तो मिल जाएगा तो खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर और कुछ काम से हमें जाना था कहाँ जाना था अभी बताती हूँ आपको तो मुझे ख़रीदना था थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना था अपना और जैसे कि अम्मी अपनी ग्रॉसरी वगैरह करके आ गई थी अब मैं ऐसा करती हूँ मैं अलग से चली जाती हूँ अलग से क्योंकि वो फिर बहुत सारा सामान हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं इसको एडजस्ट कहाँ पर करना है तो खैर मैं निकली आ, मैं जा रही थी तो मैंने इस बार सोचा कि हमें जाना हम इम्तियाज नहीं जाएंगे हम जाएंगे मेट्रो क्योंकि हम मेट्रो कभी भी नहीं गए हैं मेट्रो जाया करते थे एक मेट्रो भी हुआ करता था रेड कलर का लोगो जिसका होता था लेकिन ये मेट्रो है इसको हमने बचपन से देखा जरूर है यूनिवर्सिटी रोड पे लेकिन आज तक हम यहाँ पर आए नहीं थे तो हमारा ये पहला विजिट था मेट्रो का और कभी भी, भी नहीं आए कौन कौन जाता है यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइएगा और ये हम जा रहे थे गुलशन साइड पे जो है मेट्रो मतलब यूनिवर्सिटी से पहले जो पड़ता है उसी रोड पे जो है तो उधर जा रहे थे हम लोग और मैंने ना बड़ा एग्री किया अबू को क्योंकि काफ़ी दूर है हमारे घर से कुछ ज़्यादा ही दूर है एक्चुअली तो अब मैंने कहा अबू हम इम्तियाज नहीं जाएंगे और इम्तियाज से तो रास्ते में पड़ता है तो अब्बू ने कहा इधर चली जाओ तो मैंने कहा नहीं इम्तियाज़ नहीं क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ और हमें व्लॉग भी बनाना है तो <laughs> अच्छा ठीक है ना तो मैं चलता हूँ ना तो हम जब अबू को कह देते हैं अबू हमें व्लॉग भी बनाना है तो अब्बू को लगता है भाई काम हो रहा है भाई <laughs> हाँ कुछ इम्पोर्टेंट so, कुछ इम्पोर्टेंट है, important है <laughs> तो कहते हैं अच्छा अच्छा सही है चलो चलो तो फिर हम खैर यहाँ आ गए थे और हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे और काफी बड़ा बना हुआ है माशाल्लाह बहुत, बहुत, बहुत बड़ा बना हुआ है बहुत बड़ा बना हुआ है और यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा हैगी और अब जो लोग आते हैं उनको यहाँ की आदत होगी जैसे कि हम इम्तियाज जाते हैं ना तो वहाँ की हमको आदत है हमें पता है है कौन सी चीज़ पर और हम बड़ी जल्दी से हर चीज ले लेते हैं मतलब मुश्किल से हम आधे एक घंटे के अंदर ना पूरी ग्रोसरी कर लेते अगर हैं अगर रश ना हो हाँ, तो रश ना हो, तो. हो तो तब कर लेते हैं तो यहाँ पे ये यह हमारे लिए नया था तो फिर हम आहिस्ता आहिता जरा इसको एक्सप्लोर करना हमने स्टार्ट किया और फिर हम देखते जा रहे थे चीज़ों को और किस टाइप की चीज़ें हैं क्या क्वालिटी है क्योंकि क्या प्राइसेस हाँ, हैं क्या प्राइसेस हैं नेक्स्ट टाइम आने का चांस है कि नहीं है ये सारी चीज़ें हम लोग खैर देख रहे थे तो मतलब मिक्स था और हमें ना ऐसा लगा कि जैसे पहले मेट्रो हुआ करता था ना मेट्रो नहीं सॉरी मैक्रो मैक्रो हुआ हुआ करता था, हाँ. हुआ करता था था ना कुछ इस टाइप का ही ये बना हुआ है और वहां पे भी बहुत डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स हुआ करते थे तो हम वहाँ पे एवरी मंथ तो नहीं जाया करते थे लेकिन दो तीन महीने में एक बार जाया करते थे वहाँ पे हम इकट्ठी ग्रोसरी लिया करते थे जब ना तो हुँ. सालों पुरानी बात बता रही हूँ ये मैं आपको तो खैर यहाँ पे हम लोग आए तो हम लोग को ये ग्रोसरी के लिहाज से नहीं अच्छा लगा सकते हो अच्छा आपको आधा घंटा तो पहले हम पहले घूमते रहे हाँ आधा घंटे तक हमने कुछ खरीदा ही नहीं हमें समझ नहीं, 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 आ नहीं आ रहा था क्योंकि हम बस देख रहे थे कि ये क्या कौन सी चीज कहाँ है कहाँ रखी है आइडिया लगा रहे हैं उसमें हमें तो थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि जाहिर सी बातें हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें किसी चीज का पता नहीं था और बस हम पढ़ते हुए चलते चले आ रहे थे आगे कि हम देखें कौन सी चीज कहाँ है बेकरी की साइड पे है और स्पाइसेस किधर रखे हुए हैं तो सारी चीजों की रॉस बनी हुई होती है जो लोग रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो उनको आइडिया होगा अच्छा यहाँ पे बर्तन बहुत अच्छे हैंगे मुझे अच्छे लगे यहाँ के बर्तन खरीदा मैंने कुछ भी नहीं <laughs> लेकिन मुझे अच्छे लगे यहाँ के बर्तन और अभी फिलहाल लेना नहीं, नहीं, नहीं था। थी एक्चुअली इसलिए नहीं लिया मैंने लेकिन देखा सही सही सब सही से देखा सब कुछ देखा क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थी तो हम लोगों को ये सब चीजें देखनी थी आ, के किस टाइप की हैं तो फिर ये होता है एक आइडिया हो जाता है कि आपको जहन में रह जाता है कि फला चीज़ आपने उस स्टोर पे देखी थी तो वहाँ पे अच्छी मिल जाएगी हाँ तो नेक्स्ट टाइम जाके नेक्स वो ले हम सकते हैं हाँ। ले सकते हैं तो इसलिए हमें देखना भी थोड़ा सा घूमना भी जरूरी था और हमारे साथ अच्छा ऐसा ही होता है कि अगर कोई चीज़ हमें चीज पे से अच्छी मिल रही है तो हम वहाँ से लेते हैं जाके या फिर हमें इम्तियाज पे कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो हमें याद होता है कि हमने बाउल्ज वहाँ पे अच्छे देखे थे या यहाँ पे देखे थे तो हम वहीं से जाके ले लेते तो हमारा कुछ इस तरह से चलता है ना तो खैर यहाँ पे सारी चीज़ें तो थी ऑब्वियसली पूरा स्टोर है तो हर चीज़ मौजूद थी यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ना अच्छे स्पाइसेस में सॉसेस में जैसे शैम्पू हो गए शैम्पू में और किस चीज़ में जो Face फेस वॉश वगैरह जो थे ना तो उसके अंदर ना काफ़ी डिफरेंट ब्रांड हमें नज़र आए जो हमें रेगुलर बेसिस पे नज़र नहीं आते आप कह लें इम्तियाज़ पे नज़र नहीं आते बाजूक ऐसा होता है कि हम इम्तियाज़ पे अपने फ़ेस वॉश वगैरह देख रहे होते हैं और जो हम यूज़ करते हैं वो हमें ब्रांड नहीं नज़र आता

यहाँ पे से नहीं दिया तो खैर यहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी और क्वालिटी अच्छी थी यहाँ की हर चीज़ की बर्तन वगैरह की क्वालिटी अच्छी थी हाँ बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी हाँ।, हाँ और क्या कहते हैं यहाँ पे अच्छा मुझे स्पाइसेस वगैरह और ये दालें वगैरह इन सब चीज़ों पे अम्मी को भी थोड़े ना ओवर प्राइस लगाइए इम्तियाज़ की बनस्बत थोड़ा सा ओवर प्राइज़ है ये ना तो अम्मी कहन लगी यहाँ पे ये ग्रॉसरी के लिए तो आइडियल नहीं है हमारे लिए क्योंकि हम इम्तियाज़ से लेते हैं और अबू तो कभी भी नहीं लेकर आएंगे इतनी दूर तुम लोगों को आज दिया है पहली बार तो मैंने कहा हाँ ये भी है तो हम ग्रोसरी के लिए तो नहीं आ सकते लेकिन ऊपरी चीज़ों के लिए आ सकते हैं जैसे हमें किसी चीज़ की जरूरत है तो फिर हम आके यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीजें थी जो यहाँ पे मौजूद थी और वो वहाँ दूसरे स्टोर्स में नहीं होती जैसे ब्रांड्स वगैरह जो यहाँ पे थे वो दूसरे स्टोर्स पे नहीं होते हैं तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखें तो आप लोग यहाँ पर आके ले सकते हैं हमारी तरफ से आई जाइएगा देख लीजिएगा अगर जो लोग नहीं आए तो वैसे जिन लोगों के घर से बहुत दूर है तो वो लोग तो नहीं आते होंगे क्योंकि काफ़ी दूर है और आजकल ये ट्रैफिक का इतना इशू होता है तो इस वजह से हर कोई सोचता है ज़रा कम टाइम में और जल्दी से चले जाएं और जल्दी से वापस आ जाएं और मतलब शॉपिंग वगैरह में आपको पता है हम खत टाइम कितना लगाती हैं बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और लग जाता है ये है बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा हर चीज के लिए आपको घूमना पड़ा पड़ेगा तो उसमें ना इंसान थक बहुत जाता है और ये मैं दिखा दू ये है ये इनके अचार थे और मुरबे और अचार वगैरह थे और बहुत ही जबरदस्त रखे हुए थे हमने लिए नहीं है हमने अभी नहीं लिए अच्छा जो जो हमने लिया है ना उसका ब्लॉग आएगा इनशाला नेक्स्ट वीडियो आपने देखेंगे उसमें हमने सारी ग्रोसरी शेयर कर दी है मतलब जो जो हमने खरीदा है ना वो आपके साथ शेयर कर दिए तो वो जरूर देख लीजिएगा कि हमने क्या खरीदा है और यहाँ पे, सारे सारे मसाले अच्छा, यहां पे सारे एक खुला ही मिलता है ले सकते हैं तो रखे हुए यहाँ पे लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक मतलब छोटे बोलिए थोड़े ज्यादा अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं इसके अलावा वन केजी के और हाफ के केजी के पैकेट्स भी रखे हुए थे बिल्कुल सामने

और वहाँ पे भी होती है अच्छी खासी ना और यहाँ पे सारे ऑलिव्स वगैरह रखे हुए हैं हर तरह के रखे हुए थे इसके अलावा रेडी टू ईट फूड भी था यहाँ पे अच्छा मैंने कभी नहीं ट्राई करें इस तरह के खाने आप लोगों ने ट्राई करें तो मुझे बताइएगा कमेंट करके और नहीं करें क्योंकि कभी हुआ ही नहीं इस तरह का हम, हम ट्राई करें इतफ़ाक़ नहीं हुआ और जैसे कि फ्रोज़न फूड वग़ैरह भी हम लोग बहुत कम खरीदते हैं मतलब ज्यादा ही कम आप कह रहे हैं साल में कोई एक चीज मैंने ले ली तो ले ली नहीं तो नहीं खरीदते क्योंकि अलहमदुल्ला घर में खुद बना लेते हैं ये वाली चीजें जो कि अच्छी बन जाती हैं तो इसलिए इतफाक भी नहीं होता कि हम बाहर से जाके खरीदें तो फिलहाल बस एवं देख लेते हैं कि भाई क्या फ्रोजन में क्या है क्या वैरायटी है तो हम वैसे ही देख लेते हैं वैसे हम लोग नहीं खरीदते हैं ये वाली सारी चीजें और यहाँ पे अच्छे नट्स वगैरह जो थे ना उनके प्राइस भी बहुत ज्यादा थे हाँ। जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगे क्योंकि मुझे लेने थे तो मैंने नहीं लिए हम देखते भी जा रहे थे अच्छा जो चीज़ हम देखते भी जा रहे थे सारी चीज़ें ही हमने देखी जो हमें सही मुनासिब लग रही थी वो हमने ली और जो हमें ओवर प्राइस लग रही थी वो हमने बिल्कुल मतलब भी भी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लग रहे थे एक, एक मेरे पास वो नहीं था मैदा नहीं था तो यहाँ पे मैदे के पैकेट्स नहीं बने हुए रखे हुए थे तो मैंने नहीं लिया वो मैं खुला लेती फिर उसको रखने का इशू होता है कि अगर आप खुला चार पाँच किलो ले लें मैदा तो आप उसको रखेंगे कहाँ इतना बड़ा फिर आपके पास बॉक्स भी होना चाहिए तो जगह बड़ी घिरती है और अगर छोटे वन -वन की जी के लेती हूँ तो हाँ। तो ले तो खैर मुझे यहाँ पे उसके पैकेट्स नहीं दिखे थे और जो और मैं खातन को देख रही थी तो वहाँ पे एक बड़ा सा एक बोरी बोरी टाइप रखी थी तो की होती है रखा हुआ था तो खैर उस उसके अंदर से, से खात निकाल रही थी और शॉपर में भर रही थी तो मैंने कहा यार ये मैं खुला वाला नहीं ले रही हूँ और खुला वाला पता नहीं कैसा हो क्योंकि हम लोग जो इम्तियाज से लेते हैं ना वहाँ का मैदा अच्छा होता है थोड़ा लाइट होता है असल में वो उससे बेकिंग बेकिंग अच्छी हो हो जाती है और बेकिंग हो हाँ। और और या किसी चीज के लिए भी यूज करना और हो तो उसके अंदर से बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कीड़ा या कुछ इस तरह की चीज निकल जाए अदरवाइज मैं हमेशा छान के ही यूज करती हूँ उसको लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं हुआ और जो खुला हम लेते हैं ना तो उसके अंदर जरा डाउट रहता है तो इस वजह से मैंने लिया ही नहीं था

तो क्या कहते हैं से ना निकालना है, पड़ता हाँ। है कि बाहर आ जाओ और अम्मी को ना प्लास्टिक और ये क्रॉकरी का जो सामान होता है ना वहाँ हो। मुश्किल होता है कि बस करें अब आ जाएं अम्मी आ, मतलब, मतलब भले लेना लेना हो या ना लेना हो। लेकिन देखना, देखना जरूर होता होता है है अम्मी का अच्छा एक राउंड ना मैं एक बार एक राउंड मार के आ जाती हूँ अच्छा कौन कौन करता है इस तरह से मुझे बताइएगा मुझे कोई जरूरत की चीज लेनी होती है तो मैं जरूर जाके चेक करती हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ की जरूरत है तो मैं चेक कर लूँगी अगर मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे मिल रही है ये दिख रही है तो वो मैं ले लेती हूँ लेकिन अगर मुझे मैं फालतू नहीं घूमती हूँ अच्छा बाजारों में मेरी आदत नहीं है इस बात तो मुझे डांट भी बड़ी पड़ती है बहुत ज्यादा डांट पड़ती के, है के मैं खुद डांट देती हूँ भाई अब चली गए ये स्ट्रेट जिस शॉप में अगर ऐसी स्टोर की बात नहीं कर रही है ऐसे ही जब बाजार भी जाते हैं ना और इन्हें पता है कि एक स्टोर पे जाना है या एक शॉप पे जाना है उसी शॉप पे जाके रुकेंगी इनका ना स्टॉप वहीं जाके होता हाँ है और, और वहीं से वापस घर पे हाँ जी <laughs> और ये बीच में अगर हमें कुछ दिख जाए ना तो हम देखते रह रहते अरे ये गए ये तो भाई डायरेक्ट उसी शॉप पे जाके रुकेंगे <laughs> हाँ तो इस तरह से टाइम वेस्ट होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना टाइम सेव कर वाह 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 लू इन शॉर्ट मैं विंडो शॉपिंग नहीं करती आप ये कह सकते हैं मुझे जो खरीदना होता है मैं जाके बस उसको डायरेक्टली ले, ले लेती हूँ यार विंडो शॉपिंग का जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं है मेरे मुझे नहीं आता अच्छा कौन कौन एग्री करेगा बताएं जोए की साइड पे कौन है विंडो शॉपिंग करनी बता देगा मेरी साइड पे कौन है विंडो शॉपिंग करनी चाहिए ये मेरी साइड पे और या अब ये यह अभी एक शॉपिंग नहीं, नहीं करनी चाहिए टाइम वेस्ट होता है आपको जो चीज खरीदनी है वो चीज खरीदें और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार आप किसी शॉप पे जा रहे हैं तो उसको भी एक हो जाता है आसरा कि बंदा खरीदने आया है तो उसको आसरा मत दो अगर खरीदना है तभी जाओ नहीं, मैं, ये मैं शॉप पे जाने की बात नहीं कर रही बात सुनो ये बात आपने गलत बोली है हाँ जी ये बात गलत बोली मैं शॉप के अंदर विंडो शॉपिंग नहीं एक गुजरते हुए देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए जा रहे होते हैं ना मैं उसकी बात कर करती हूँ अच्छा कह रहा हूँ ये तो बहुत लंबी ये कन्वर्सेशन चल जाएगी किसी दिन फिर डिस्कस कर लेंगे और हम घर आ गए थे वहाँ से शॉपिंग करने के बाद और फिर वही चाय बनाई थी पीने ज़बरदस्ती और ये है जी तबारक की रोटियाँ इसको रोड भी कहते हैं और अपिया ने ये बनाया थे और ये मैं बता दूँ ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इनशाला जल्दी तो इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी चैनल पे से टेस्टी फूड मारिया पे से और हम शाम की चाय पे खा रहे थे समोसे और चाय पी रहे थे इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफिज़